नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के विषय में, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्म और योग के विषय में अर्जुन को बताया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्ञान कर्म संन्यास योग के विषय में पहले मैंने इसे सूर्य को कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्त मनु को कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। यह परंपरा काल बीतते पृथ्वी से लुप्त हो गई। आज मेरे द्वारा वही ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा, सूर्य का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ है, फिर आपने सृष्टि के आरंभ में कैसे यह सूर्य को बताया? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे सब जन्मों का ज्ञान है, परंतु तुम्हें नहीं है। मैं अजन्मा, अविनाशी और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं प्रकृति को अपने अधीन कर योग माया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म को हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। भक्तगणों का उद्धार करने, दुष्टों का संहार करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। जो मनुष्य मोह, भय, क्रोध आदि को त्याग कर मेरी शरण में आकर, अर्थात सारी इच्छाएं मुझ पर छोड़ मेरे ज्ञान से पवित्र हो जाए, वह मेरे इस स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। जो जिस भाव से मेरे शरण में आता है, उसे उसी के भाव के अनुसार फल मिलता है। पूर्व समय में भी मनुष्यों ने कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति को जानकर अपने कर्तव्य पालन कर मोक्ष की प्राप्ति की है। तू भी उनका अनुसरण कर। कर्म बंधन से मुक्ति के लिए कर्म और अकर्म क्या है, यह मैं तुम्हें समझाता हूँ। कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों कर्म बंधन की सूक्ष्म बातों को जानने के लिए अत्यंत जरूरी है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात शरीर को कर्ता न देख आत्मा को कर्ता देखता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात आत्मा को कर्ता न देख प्रकृति को कर्ता देखता है, वह बुद्धिमान है। जो मनुष्य अपने कर्म फलों की आसक्ति छोड़ सदा अपने में स्थित रहकर कर्म करता है, वह कर्म में व्यस्त होते हुए भी कुछ कर्म नहीं करता, अर्थात यह अकर्म है। प्रकृति के गुणों से मुक्त और ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहकर कर्म करने वाले मनुष्य के सारे कर्म ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य को प्राप्त होने वाला फल भी ब्रह्म ही होता है। योग के विषय में, कुछ योगी देवताओं के पूजन रूप यज्ञ करते हैं, कुछ अन्य योगी परमात्मा में ज्ञान द्वारा एकात्म भाव में स्थित रहने का यज्ञ करते हैं, कुछ योगी सारी इंद्रियों को संयमित करने का यज्ञ करते हैं, कुछ मनुष्य धन से तो कुछ तपस्या से यज्ञ करते हैं, कुछ योग अभ्यास द्वारा, कुछ शास्त्र अध्ययन से करते हैं, कुछ मनुष्य व्रत या हठ पूर्वक यज्ञ करते हैं, कुछ योगी प्राणायाम करते हैं और कुछ अपने आहार को नियंत्रण करके यज्ञ करते हैं, अर्थात पापों का नाश करते हैं। हे अर्जुन, ऐसे यज्ञों के विषय में ब्रह्मा जी ने वेदों में विस्तार से बताया है। धन से यज्ञ करने से उत्तम ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तत्वज्ञानी के पास उनकी सेवा करके यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसको जानकर तुम्हें मोह नहीं होगा और सब कुछ तुम परमात्मा में देखोगे। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को जला देती है, अर्थात पवित्र कर देती है। निरंतर प्रयत्न से इंद्रियों को संयमित कर श्रद्धा से युक्त मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान से शांति प्राप्त करता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशय करने वाला भ्रष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, योग से सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पित करके विवेक से संशय को नाश करके अपने आप को वश करने वाले मनुष्य को कर्म बंधन नहीं लगता। इसलिए तुम हृदय में स्थित होकर ज्ञान रूपी अग्नि से अज्ञान से उत्पन्न संशयों को जलाकर योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यह था ज्ञान कर्म संन्यास योग। दोस्तों, जानते हैं चौथे अध्याय से मिलने वाली जानकारी। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म और योग की बातें की। कर्म के विषय में यह जानकारी मिलती है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। यहाँ कर्म के साथ साथ किस भाव से कर्म किया है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब यदि हम किसी को तकलीफ दे रहे हो तो उसमें दो तरह का भाव हो सकता है। एक, यदि हम अपने स्वार्थ के लिए या विकारों के प्रभाव से उसे तकलीफ दे रहे हो, तब उसका फल एक तरह का होगा। किंतु यदि हम
उसे शिक्षा देने के लिए या सुधारने के भाव से तकलीफ दे रहे हो, तब उसका फल दूसरी तरह का होगा। इन दोनों परिस्थितियों में कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, चाहे फल बुरा हो या अच्छा हो। यह फल जो कर्म के साथ बंधा है उसे कर्म बंधन कहा है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार यदि हमें कर्म बंधन से मुक्त होना हो तो हमें कर्ताभाव से मुक्त होकर कर्म करना पड़ेगा, अर्थात कर्म करने वाले हम खुद नहीं हैं, स्वयं परमात्मा है। यह भाव से उसका फल भी परमात्मा को अर्पित कर सकें तो कर्म बंधन नहीं लगता। यह अवस्था के लिए अत्यंत धीरज, विवेक और अभ्यास की जरूरत होती है। प्रकृति गुण से उत्पन्न विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे शरीर और मन को ही प्रभावित करते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मभाव के अभ्यास से हम इन विकारों को तिरोहित कर सकते हैं और फिर आत्मा केवल एक साक्षी है। यह अनुभव में लाने से हम कर्ताभाव से मुक्त हो सकते हैं। योग के विषय में हमें यह जानकारी मिलती है, हमने जो कर्म अभी तक किए हैं उस कर्म के बंधनों को खत्म करने के लिए अलग अलग प्रकार के योग कर्म बताए गए हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ योगी तपस्या द्वारा, कुछ शास्त्र अध्ययन द्वारा, कुछ व्रत करके, कुछ हठ पूर्वक, कोई प्राणायाम इत्यादि करके अपने शरीर और मन की वृत्तियों को संयमित करते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए खुद को योग्य बनाते हैं। इस तरह के निरंतर प्रयत्न और श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है तब आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता, सब कुछ परमात्मामय मालूम पड़ता है। इस स्थिति में कोई भी कर्म स्वयं का कर्म नहीं रहता, इसलिए कर्म का बंधन भी स्वयं को नहीं रहता, क्योंकि स्वयं ही नहीं बचता है, केवल परमात्मा ही रहता है। वास्तविक जीवन के संबंध में कर्म के विषय में हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रथम तो अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे कि अच्छे फल मिले। यह चरण के बाद हमें अच्छे एवं शुभ कार्यों को परमात्मा को अर्पण करना चाहिए जिससे कर्म बंधन न रहे। इससे ऊपर अपनी चेतना को ले जाने के लिए दिन में कुछ समय के लिए मन को परमात्मा में केंद्रित करना चाहिए, अर्थात मन को ऐसी प्रवृत्ति में लगाना चाहिए जिसमें विकारों का कोई स्थान न हो और सबके लिए कल्याणकारी हो। दोस्तों, ये थी बातें श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय से जुड़ी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।